से बहुत कुछ सीखना है टी आर एस क्लिप्स हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए एक बिजनेस का बहुत स्टैंडर्ड गोल्डन रूल रहता है कि जो भी आपके देश के पॉलिटिकल पार्टीज कह रहे हैं इन टर्म्स ऑफ बिजनेस उनकी बात सुनो तो जब मैंने किसी भी पॉलिटिशियन या किसी भी गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटर से बात किया शो पर अबाउट वट शुड यूथ लुक एट सेक्टर्स हमेशा माइक्रोचिप्स की बात होती है सेमी की बात होती है इज दैट

विद डैट माइंड सेट वी नीड चिप्स एज वेल एज बेस मैनुफैक्चरिंग एज वेल एज हाई टेक मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज मिड टेक मैनुफेक्चरिंग एज वेल एज सॉफ्टवेयर बिकॉज टू जनरेट अ इकोनोमी ऑफ सेवन टेन ट्रिलियन डॉलर यू नीड टू फायर ऑन ऑल सिलेंडर चिप्स आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज ये आर ऑल्सो वेरी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट टूडे मतलब आपको जियो पोलिटिकल पावर मिल जाएगा चिप्स की वजह से अरे पावर तो दूर की बात है एग्जिस्टेंस आपकी विल बी इन थ्रेड बिकॉज चिप्स होते क्या एग्जैक्टली होते क्या सेमी कंडक्टर एक, एक चीज होती है सुपर कंडक्टर सुना है ना तो यार सेमी कंडक्टर तो बेसिकली जो हमारे ट्रांजिस्टर छोटे चो से लॉजिक सर्किट बोर्ड्स में लगते हैं छोटे छोटे वो जरूरत पड़ती है बेसिकली हर चीज को आज के डेट right में फ्रॉम दिस माइक राइट टू दिस लाइट लाइट में भी लगते हैं छोटे छोटे क्योंकि उसमें कोई ना कोई लॉजिक होगा कि या रिमोट आप चला सकते हो उस पर या वो ऑफ हो जाएगा जब रूम में कोई एक्टिविटी नहीं होगी मतलब हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर एक छोटा सा कंप्यूटर होता है इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक का इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं क्योंकि छोटा सा छोटा सा कंप्यूटर होता है उसके अंदर वो कंप्यूटर बहुत छोटा हो सकता है और बहुत कैपेबल हो सकता है और जितना वो कैपेबल होता है उतना वो डिवाइस ज़्यादा काम कर सकती है जिसमें आज की डेट में सबसे क्रिटिकल टेक मेरे ख्याल से है ड्रोन ड्रोन टेक्स ड्रोन टेक जो है जो ड्रोन आपने सुना भी होगा देखा भी होगा दे हैव इन थ्योरी द एबिलिटी टू स्टॉल एनी एंड आई मीन एनी एयर थ्रेट इंक्लूडिंग मिसाइल्स अगर आप ड्रोन स्वाम बना लें मतलब ड्रोन में कोई लिमिटेशन ना हो और आपके पास बहुत फैक्ट्रीज हैं और आपने एक दो तीन नहीं तेस चल पचास नहीं पच्चीस हजार ड्रोन निकालती है पचास हजार ड्रोन बनाती है एन उनको लॉजिक मतलब इधर आजकल तो ए आ गया है सॉफ्टवेयर लॉजिक से उनको लिंक कर दिया दे कैन एक्ट लाइक अ स्वॉम चिड़िया देखिए ना बहुत सारी चिड़िया झुंड में निकलती हैं ड्रोन का अगर एक लाख ड्रोन का झुंड किसी चीज के पीछे पड़ जाए इंक्लूडिंग मिसाइल बता हुए हाँ बचेगा नहीं कुछ इंक्लूडिंग प्लेन्स तो इतना ज्यादा डेंजरस टेक्नोलॉजी है दैट कैन बी यूज फॉर ट्रिटी मच एनी थिंग मूवीज एक मूवी है आ, वो आ, लंडन एज वो क्या भूल गया नाम यार वो जो समथिंग समा उसका सेकेंड पार्ट उसमें एक सीन है ये काट देना जो मैंने भी बोला उसमें एक सीन है उसमें एक ड्रोन सॉम आता है और यूएस प्रेसिडेंट को अटैक करता है और वो सीन देखना अ साइड दैट्स अ थ्योरी Uh, in, well, I'm not sure if that's possible or not, but that gives you a glimpse of how strong drones can be. And drones, tech, like, you must have seen those videos from China that they do drone songs and produce images from thin air, right? You have seen those things. They can be used in a lot of ways, both destructive and constructive. US made drones are delivery. over here. Now, that delivery, as I said, uh, any technology can be used for both good and bad. Delivery can also be delivery of यूक्रेन में देखा दो ग्रेनेड डिलीवर कर देते हैं टैंक के ऊपर कोई कॉस्ट नहीं उसकी बहुत चीप कॉस्ट है एंड द चीपर द कॉस्ट द मोर यू कैन मेक द इमेजिन इफ यू हैव जस्ट ड्रोन एंड दे आर ड्रॉपिंग स्मॉल ग्रेनेड ओवर यूर सोल्जर्स देर हेल्पलेस राइट एंड यू कैन इमेजिन योर ह्यूमन सोल्जर्स कान फ्लाई एंड यू हैव लाइक अलियन ड्रोन कमिंग यू एवरी डे टू डिफेंड एंड दैट्स वेयर यू नीड अ वेरी स्ट्रॉन्ग डोंट टेक

एज ऑफ न मोस्ट चिप टेक्नोलॉजी में बन रही है दिस इज लाइक ताइवान इज एन आउटसोर्सड यू नो लोकेशन फॉर मेकिंग चिप्स सो द चिप्स कुड बी फ्राम एन बी डिया देर फैक्ट्रीज दोड्यूस चिप्स फॉर एनवीडिया सो ए आई के लिए सारी सारी जो ए आई हो रही है वो एन बी डिया चिप्स में चलती है उसका अपना रीजन है बट दो चिप्स आर मैनुफैक्चर्ड इन ताइवान द अदर पार्ट ऑफ दिस इज दैट द चिप मैनुफैक्चरिंग उनकी जो दंपनी दैट मेक्स the machines that makes the machines that company is called asml that is a netherlands based company only one company in the world that makes a machine that can make a machine for chips like you know higher up in the value chain so netherlands company and taiwan kidotin company and i think samsung which is korea which makes chips so very few countries that make it and because historically they were outsourced providers of इसका लॉजिक क्या होता है कि सिर्फ एक ही कंपनी है दुनिया में मतलब जापान में कोई ऐसी क्यों नहीं सोचता वेरीइड वर्क सो उसमें मार्जिन कम होते हैं बिकॉज ब्रांड होती है सारा पैसा तो वही बनाएंगे ना तो इट इज ऑप्टिमाइज इन अ फैक्ट्री विच कैन प्रोड्यूस थाउजेंस ऑफ एंड प्रोडक्ट्स फॉर एज एम फॉर द ब्रांड विच मींस दैट यू नो मार्जिन मैटर तो एक ही जगह बनेंगे बिकॉज ऑप्टीमाइज़ होगी वो जगह बट ए आई के बाद ये क्लियर हो गया कि मतलब ये बिल्कुल ये टेक्नोलॉजी मतलब अभी देखो हम लोग चिप्स की बात कर रहे थे चिप्स की बात तो हम लोग बोला ड्रोन वोन अभी ड्रोन वन छोड़ दो नॉर्मल ए आई जो चलाते ना चार जी बी टी वगैरह उसके लिए चिप्स यही है होते हैं अब इंडिया की कहाँ पर ए आई है हमारे पास तो कोई आई नहीं हमारे उसको एल एम कहते हैं जो मॉडल होता है तो उसको चलाने के लिए तो चिप्स हमारे पास है नहीं देखो एक चीज़ होती है बाहर से टेक लाना और उसको इंडिया में रेप्लिकेट कर देना टाटा ने खोल दिया एप्पल ने और सेंटर खोल दिया हमारी जो लोकल वर्कफोर्स है जो इन पर काम करती है वो मैनेजरी लेवल के नहीं होते हैं उनसे नीचे होते हैं हाथ पे काम करती है आई थिंक चिप्स में तो लोकल वर्कफोर्स भी कम लगती है ये नोहा ये नॉलेज मेरे ख्याल से नेटिवली इंडिया में अभी नहीं आ रही है इवन आफ्टर प्रोडक्शन एल आइडी बाय बहुत सिंपल सी बात है कौन सी इंडिया की मोबाइल ब्रांड है जो इंडिया में पूरा मोबाइल फोन बनाती हो? वो का नाम सुना है शेंजन इज द कैपिटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इन द वर्ल्ड इट इज नॉर्थ ऑफ हांगकॉन्ग चाइना में जहाँ पे सारी इलेक्ट्रॉनिक्स बनती है जब चाइनाट हुआ आ, लिबरेशन का भी हुआ था ना तो उन्होंने शेंजन से स्टार्ट किया था स्मॉल विलेज था आज मेट्रोपोलिस है वहाँ पे शंजन में कोई भी तुमने प्रॉड सुना हो एंकर का नाम सुना होगा वहीं से आया है एंकर की का स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है गूगल का इंजीनियर था जो सिल्कन वैली में काम करता था लॉर्ड के शनजन गया चाइनीज इंजीनियर और उसने बोला हम हार्डवेयर कंपनी स्टार्ट करेंगे एंकर स्टार्ट कर दी शनझन से शनझन में अगर हो और तो मुझे कुछ बनाना है नई चीज़ बनानी है भैया मुझे ये नया चाहिए टिक सर्किट बोर्ड जो तो सुबह जाओगे शाम को दे देगा नया डिज़ाइन दे, दे देगा नया सर्किटरी कुछ ऐड करके नई चीज़ निकालनी है नया मोबाइल फ़ोन टाइप का निकालना बन जाएगा इंडिया में शन टाइप का कुछ एग्जिस्ट नहीं करता अगर यहाँ बोलोगे बनाने का तो हफ्ता तीन दिन तो लगना ही लगना है कॉस ही बहुत ज़्यादा है तो उससे इनोवेशन नहीं होता है तो सबसे बड़ी चीज़ इंडिया की इस समय यह है कि जैसे बेंगलोर में सारा सॉफ्टवेयर होता है कुछ बनाना है तो सब लोग मिल जाते हैं हार्डवेयर बनाने के लिए हमारे पास कोई लोकेशन नहीं है एक जगह नहीं है जहाँ पे सारी चीज़ें और सारे लोग साथ में मिल जाएं सबसे लाइकली लोकेशन क्या है है ही नहीं सबसे लाइक पहले इस पर ट्विटर पर काफ़ी बात करी है लोगों से तो किसी ने बोला नोएडा किसी ने बोला बैंगलौर? बैंगलोर बैंगलोर बेंगलौर में काफ़ी काफ़ी स्टार्टअप्स हैं इलेक्ट्रॉनिक स्टार्टअप्स हैं काफ़ी काफ़ी कम हो रहा है बट uh, सबसे लाइकली जो लोकेशन होती है वहाँ पे कस्टमर वेंडर बड़ा आसानी से मिल जाते हैं अब भैया अगर वो पोर्ट के पास हो तो शिपिंग भी हो जाती है अच्छी तरह से अब हमारा डेडिकेटेड प्लेट कॉरिडोर बन रहा है जो नोएडा से कनेक्ट कर देगा बॉम्बे को बड़ी जल्दी लेकिन उसके बिना भी अगर हम बॉम्बे या गुजरात में बनाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा बट भाई कहीं भी, भी बना लो बेंगलोर में बना लो वी नीड वन प्लेस वेयर यू गो अच्छा सच्ची बात है ये यू गो एंड टेक दिस श्योर असन बी टू शेंजन टेक अ फ्लाइट फ्रॉम है गोडो शनजन गिव इट टू अ वेंडर रैंडम वेंडर रैंडम मॉल अच्छा मॉल जैसे होते हैं ना यहाँ पे मॉल होते हैं वैसे वहाँ मॉल होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स मॉल यहाँ पे दस नहीं पचास नहीं हजारों वेंडर होते हैं मैंने पिक्चर फोज करी हुई है कि एक बहुत बड़ा हॉल होता है पच्चीस माले की बिल्डिंग है और हर माले में एक बहुत बड़े हॉल हैं और छोटे छोटे छोटी दुकानें हैं जो जैसे वर्क होती है ना ऑफिस वाली कोवर्किंग वैसे होती है बट कोवर्किंग फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स छोटे 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 हजारों वेंडर अपना काम कर रहे होते हैं उनको बोलो ये बनाना है वो तो देखेगा बोलेगा हाँ ये बन जाएगा अपनी भाषा में बोलेगा चलो ये बन जाएगा दस डॉलर में और तुमको ये तीन दिन में बना के दे देगा फिर तुम बोलोगे ये मुझे स्केल करना तो बोले कि इस वेंडर से बाल लो इस तुम सामान वामान लेके ऑर्डर दे दो एंड दैट इज हाउ यू बिकम अ सप्लायर इलेक्ट्रॉनिक्स इन इंडिया यू गेट इट फ्रॉम शनजन शनजन चाइना बोलते हो ना चाइना जो बोलते हो उससे शनजन होता है उसका मतलब मैंने पूरा वीडियो पोस्ट किया शनझन की रोड और उसका पूरा

मतलब फिरंग भी होंगे वहाँ वाइट पीपल शेंजन को विजिट करते होंगे वो वीडियो बनाते हैं बहुत अभी दो तीन दिन पहले का वीडियो है किसी का कि वो जा रहा है और अपना कुछ नई चीज़ बना रहा है घंटी वंटी बना रहा है बैठ के और पूरा इसकी एक कॉटेज uh, इंडस्ट्री है जो बनवा के आइटम अमेजन पे बेचते हैं यूएस पे हम्म उसको पता है ड्रॉप शिपिंग बोलते हैं ड्रॉप शिप मैन्युफैक्चर कस्टमर को डायरेक्टली शिप कर देता है तो वो पूरा ड्रॉप शिपिंग का नाम सुना होगा ड्रॉप शिपिंग राइट वो पूरा नया कन्सेप्ट ही है यार इंडिया में तो हम लोग डिलीवरी लेते हैं पहले कस्टमर आप वेंडर हम और ये मेरा वेंडर मतलब मेकर हम हम ये मेरा वेंडर ये पहले मुझे देगा मैं अपने गोडाउन में उसकी डिलीवरी दूँगा जी एस टी क्लियर करूँगा फिर मैं आपको शिप करूँगा बहुत रेयर केसेस में वो डायरेक्टली शिप करता है hmm. जबकि चाइना में तो ये स्टैंडर्ड है मैं बैठ के अमेजोन पे अली बाबा पे स्टोर बनाऊँगा मैं कोई इन्वेंट्री नहीं रखूँगा ये आपको डायरेक्टली शिप करेगा आप ऑर्डर दोगे ये अपने आप पहुंच जाएगा आपके पास ये चीज़ ये कल्चरल चेंज है जो कि इंडिया में बहुत एस को प्रॉब्लम होती है गोडाउन रखो सामान रखो क्यू करो उसके ऊपर फिर चार गालियाँ सुनो वो चीज़ अब नया सामान बनाने में तो जानते हो हमेशा टाइम लगता है एफर्ट लगता है पता नहीं होता है क्या क्या, क्या, क्या गड़बड़ होगी तो अगर मैनुफैक्चर खुद ही देख ले तो उसकी डिमांड बढ़ेगी कस्टमर का भी काम हो जाएगा और हमें पैसा मिलेगा तो ये ये बहुत डिफरेंट चेंज तो है तो शनझन जाना हाँ बिताओ तीन महीना शनझन यार इंडिया में शनझन बन जाए यार मेरी आत्मा को शांति मिले <laughs> सही बता रहे हैं मजाक नहीं कर रहे हैं इंडिया में शनझन बनना बहुत जरूरी है बहुत ज़रूरी है आगे निकलने के लिए एक संझन इंडिया में चाहिए यार मेरे दिमाग में तो ये चलता रहता है यार इंडिया में शनझन छोड़ो यार इंडिया में मतलब एक शंघाई चाहिए हमें हाई राइजेस चाहिए यहाँ पर तो यार टॉल बिल्डिंग बनाने नहीं देते हैं दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे ये वाली प्लेलिस्ट में सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट देखिए सीखते रहिए ग्रो करते रहिए